उनके विधायक वो छोड़ छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं। अपने बेटे को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने बड़े नेताओं की बलि दे दी। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो अंदर ही अंदर घुटे हुए हैं, डॉ साहब आप अल्पमत में हैं, आपके पास विधायक नहीं है, अगर आपके पास विधायक है आप उनकी परेड कराइए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप गुमराह मत करिए। इस प्रकार के ये विकास के जो कार्य चले हैं, अब इनके पेट में कांग्रेस के लोगों के दर्द हो रहा कि विकास के काम क्यों है। जीत गए, हम जीत गए, अरे आपने 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं किया, आप जीतने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सभी दलों को, हर व्यक्ति को प्रदेश के, क्योंकि हमारे प्रथम नागरिक हैं, जाने का अधिकार है। परंतु मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बात भी कहना चाहूंगा कि वो अपने पूरे विधायकों को भी साथ लेकर के जाते। 12 तारीख को वो विधानसभा के अंदर मौजूद थे, उनके सामने ही हमने विश्वास मत हासिल किया है। ये आज नहीं, ये इनकी, मैंने कहा है कि इनकी एक सोच इस प्रकार की बनी हुई है कि जब भी सेशन आता है उस सेशन के अंदर ये लोग एप्लीकेशन लगा देते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार कोई अल्पमत में नहीं है, उसके पास ही स्वयं कांग्रेस ही अल्पमत में है। आप देख रहे हैं उनके विधायक वो छोड़ छोड़ करके पार्टी जा रहे हैं। और अभी आदरणीय किरण चौधरी जी, जिनको कांग्रेस ने, कांग्रेस को भी मजबूत करने के लिए उन्होंने, पूरे परिवार ने अपना पूरा जीवन लगाया, परंतु एक परिवार को अपने बेटे को ही आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इतने बड़े नेताओं की बलि दे दी। और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो अंदर ही अंदर घुटे हुए हैं, और आने वाले समय के अंदर ये बड़ा एक विस्फोट कांग्रेस के अंदर होने वाला है। और जो जिस प्रकार की इनकी सोच है, ये तो ये सोचते हैं कि जल्दी ही, जिस प्रकार से कांग्रेस राहुल गांधी साहब को प्रोजेक्ट करने पे लगी हुई है, और आज आप देखते भी हैं कांग्रेस के हालात, मैं आपको बताना चाहता हूं, तीसरा प्लान नरेंद्र मोदी जी बिना रुके उन्होंने देश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया। कांग्रेस तीसरे वर्ष के अंदर भी 3 डिजिट क्रॉस नहीं कर पाई, आज भी 2 डिजिट के अंदर खड़ी है। और ये इस प्रकार का वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि भाई हम जीत गए, अरे आपने 3 डिजिट भी क्रॉस नहीं किया, आप जीतने की बात कर रहे हैं। और हरियाणा के अंदर भी ये खुश होने की जरूरत नहीं है भूपेंद्र हुड्डा को, 10 वर्षों में कांग्रेस को ये खुश होने की जरूरत नहीं है। 10 वर्षों के बाद भी हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस से ज्यादा वोट लिया है, कांग्रेस से ज्यादा लिया है, कांग्रेस से ज्यादा सीटें हमारी हैं, हमारी 44 सीटें आई हैं, कांग्रेस 45 सीटें, कांग्रेस की 42 सीटें हैं। ये इस बात को भी हमने देखना चाहिए, परंतु किस प्रकार का वातावरण, अभी तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर जो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं, गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर खरा हमारी सरकार उतर रही है, आज बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, और उनसे ज्यादा दिया है, उनका 10 वर्ष का शासन। किसी भी एंगल से आप जागरूक पत्रकार हैं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि उनके 10 वर्ष के कार्यकाल को आप बाइफरकेट करके हुड्डा साहब को या कांग्रेस के किसी नेता को पूछना चाहिए, हमारे कार्यकाल को भी 9.5 वर्ष के कि हमने क्या काम किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने ये काम किया है, उनको बताना चाहिए आपने क्या किया है, पूछना चाहिए। उसको ये भी पूछना चाहिए कि आपने 10 वर्षों के अंदर कितनी नौकरी दी है, किस आधार के ऊपर दी है। झूठ बोलना तो कोई भी बोल सकता है, झूठ का सहारा लेकर के विकास के कामों के ऊपर वो नींव उन्होंने खड़ी नहीं की, उन्होंने जो नींव खड़ी किया, मैंने कहा कि हमारी परसेंटेज ज्यादा है, हमारी वोट ज्यादा है, और उसके बावजूद अगर समीकरण, क्योंकि आंकड़ों का होता है, उस आंकड़ों के कारण हम पीछे रहे हैं थोड़ा, जो हम 2019 के अंदर हमने जो प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन से हम थोड़ा पीछे रहे हैं, परंतु विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी, ये हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है। और इस बात को लेकर के मैं बताना भी चाहता हूं कि मैं खुद ही जब करनाल से पार्टी ने मेरे को प्रत्याशी घोषित किया तो सारे के सारे दल एक ही मंच के ऊपर, एक पल्ली के ऊपर आकर के बैठ गए और कहने लगे कि बीजेपी को हराना है।
और सब इकट्ठे हो जाओ, यहां से करनाल से रास्ता चंडीगढ़ जाएगा। परंतु क्या स्थिति की उनकी, बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा का चुनाव जो उपचुनाव था वो करनाल के लोगों ने ये संकेत दिया है कि चंडीगढ़ तो 2024 के अक्टूबर के चुनाव जब होंगे भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल ही जाएगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये हरियाणा आगे बढ़ेगा, ये संकेत दिया है, ये इनको समझना चाहिए। कांग्रेस अल्पमत में है, हुड्डा साहब आप अल्पमत में है, आपके पास विधायक नहीं है, अगर आपके पास विधायक है आप उनकी परेड कराइए। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आप गुमराह मत करिए, इस प्रकार के ये विकास के जो कार्य चले हैं, अब इनके पेट में कांग्रेस के लोगों के दर्द हो रहा कि विकास के काम क्यों हो रहे, ये गरीब को क्यों लाभ पहुंचा रहे। लगातार हमारी सरकार गरीब को उन योजनाबद्ध तरीके से उन तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस ने जो झूठ बोला है कि मोदी अगर तीसरी बार आ गया तो वो संविधान को समाप्त कर देगा, वो आरक्षण को समाप्त कर देगा, और किस प्रकार से घर घर जा करके फार्म भरे गए, फार्म भी ये भरे गए कि भाई 4 तारीख के बाद खटाखट 8,500 रुपया घर में खाते में पहुंच जाएंगे, ये इस प्रकार का झूठ बोल रहा है। परंतु झूठ से ये लंबा समय नहीं चलता, ये काठ की अंडी है, हमारी कहावत भी है हरियाणा की, एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती, इनके झूठ का अब हमारा कार्यकर्ता मजबूती से उस नकाब को उतारने का काम घर घर जाकर के करेगा।